अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज है जुमा, तो आप सबको जुमा बहुत मुबारक हो और आई होप आप सब अच्छे होंगे, दुआओं में याद रखिएगा। तो आज जुमा है और अभी बजे हैं दोपहर के 3:30 और मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। आज खाना खाने में मम्मी के जा रही हूँ क्योंकि मम्मी ने चने की दाल बनाई है और मुझे चने की दाल बहुत पसंद है। तो मम्मी ने कहा यहीं पर खाना खा लेना, बुलाया है तो चलते हैं चने की दाल खाने के लिए। बहुत दिन से खाई नहीं है क्योंकि हम बनाते नहीं है, बस ही खाते नहीं है। तो चले चलते हैं। और सारा काम वगैरह तो हो गया था, बस नमाज पढ़ के अभी बैठ के मैं तस्बीह पढ़ रही थी। तस्बीह पढ़ के बस मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। अब चलते हैं, मम्मी क्या और क्या क्या करेंगे वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मम्मी के पहुँचते ही मैंने यहाँ पे ले लिया चने की दाल और चावल और साथ में मिर्ची का अचार। और यहाँ पे मम्मी ने रात में बनाई थी आलू सोयाबीन मटर की सब्जी, तो वो भी ले लिए मैंने। Later that same evening. तो फ्रेंड्स, मैं खाना खा के ऐसा सोई हूँ ना मम्मी, क्या अभी उठे 6:30, 7:15 बज रहा है और इतनी अच्छी नींद आई है दाल चावल खा के। और सो के अभी उठी हूँ, अदीबा भी आ गई, मुझे पता भी नहीं। अदीबा 5 बजे आई है, मैं खाना खा के अंदर रूम में जाके सो गई थी। अभी उठी हूँ तो मम्मी भी उठी है। मम्मी बना रही है चाय, ब्लैक टी बना रही है और मैं बैठी हूँ। अभी पानी पियेंगे थोड़ा गर्म, मुझे गर्म पानी पीने की आदत है यार। मैं दोपहर में सोया, रात में सोया, सुबह उठूँ तो गर्म पानी पीना अच्छा लगता है। तो बस अभी आ जाएंगे फंसी, फिर देखते हैं क्या करते हैं। मम्मी कैसे सो रही है गर्मी में नीचे? कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी तो है भी नहीं। गर्मी नहीं, ठंडा ठंडा होता। अच्छा, बहुत जूम नहीं हो गया? मुझे दिख नहीं रहा कैमरे में, लेकिन मुझे अगर जूम बहुत। ये रोज आके ऐसे लेट जाती है जमीन में गर्मी में, अच्छा लगता है जमीन पे। इन लोगों को बाहर नहीं रखा बेचारों को। मम्मी क्या हालचाल? सब बढ़िया है। फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अभी अभी आया हूँ मैं घर, अभी बैठा हूँ। उतना जल्दी अमीना उठा के व्लॉग बना रही है। हाँ, व्लॉग में कुछ आते दिखाना है। और एक बात मेरा दोस्तों, प्रीवियस व्लॉग में तो फ्रेंड्स इनको एक कमेंट आया है फसी को कि क्या आपके हस्बैंड अजीब हरकतें करते हैं और उनसे बोलिए कैमरे के सामने थोड़ा डिसेंट रहने के लिए। किसी ने कमेंट किया है, मुझे नाम याद नहीं है अभी। प्रीवियस व्लॉग में एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि मैं अजीब हरकतें करता हूँ घर को। तो वो मेरी अजीब हरकतें नहीं हैं, वो मैं मेरी वाइफ को खुश करने के लिए वैसे अजीब हरकतें करता हूँ, वो इसीलिए वैसा हरकत करता हूँ मैं। तो मैं वैसा क्या भी बच्चों जैसा नहीं करता हूँ, सिर्फ आमिना को हंसाने के वास्ते वैसा करता हूँ, बस उतना ही और कुछ नहीं। आप ऐसा बुरा कमेंट मत कीजिए कि मैं अजीब हरकत कर रहा हूँ कैमरे में। नहीं, आप लोग ऐसा समझिए मत कि वो कुछ अजीब कर रहे हैं, वो ऐसा करते नहीं है। वो जैसे व्लॉग में कॉमेडी थोड़ा सोचते हैं, कुछ कॉमेडी हो जाए या कुछ आप लोग हंसो खुश हो जाओ या मैं हंसूँ या मैं खुश हो जाऊँ, इसलिए वो थोड़ा बहुत ऐसा करते हैं चुलबुलापन। लेकिन वो ऐसे है नहीं, बहुत ही साइलेंट है, किसी से भी बात नहीं करते। आते बैठ जाते सलाम करके, बस किसी से भी बात नहीं करते, बहुत ही साइलेंट इंसान है। अगर वो व्लॉग में थोड़ा बहुत चुलबुलापन करते हैं वो मेरी वजह से करते हैं, क्योंकि मैं इनको बोलती हूँ कुछ बोलो व्लॉग में कुछ करो, क्योंकि मैं ही बकती रहती हूँ अभी हमेशा और ये कुछ भी नहीं करते। तो इसलिए मैं इनसे फोर्स करती हूँ कि इतना करो, तो ये इतना भी करते हैं ना तो मेरी फोर्सफुली करते हैं, नहीं तो ये बिल्कुल साइलेंट रहने वाला इंसान है। समझ गए आप, जो मेरी बीवी बोली वही सही है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है उसमें। मैं किसी को बात नहीं करूँगा, यहाँ तक भी मेरी फैमिली, मेरी माँ भी मुझे वही बोलते हैं, सॉरी मेरी अम्मी भी मुझे वही बोलती हैं कि तो आके सिर्फ सलाम करके बैठता है, कुछ भी बात नहीं करेगा करके। तो मैं अब से नहीं, पहले से भी वैसा हूँ, किसी से बात नहीं करूँगा उतना ही। सिर्फ मेरे साथ ही फ्री होते हैं वो, मेरे साथ ही फ्री होते हैं, मेरे से ही छेड़ते हैं, मेरे से मजाक करते हैं। अब हस्बैंड, बहुत सारे ऐसे शर्मीले हस्बैंड होते हैं वो अपने वाइफ के साथ ही फ्री होते हैं, तो आप लोग समझ जाना, इसलिए मैंने बोला। और मैं ये व्लॉग में भी आना नहीं चाहता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ आमिना। आमिना मुझे फोर्स करती है कि आओ व्लॉग में कुछ बोलो। हाँ, तो आना ही पड़ेगा ना, तो इसी वजह से मैं व्लॉग में आता हूँ बस, नहीं तो मुझे व्लॉग में आना भी पसंद नहीं है।
सिर्फ आमिना की वजह से मैं ब्लॉग में आता हूँ। अगर मेरे हरकत आपको अच्छे नहीं लगे तो मैं आपसे माफ़ी क्यों मांगना, मतलब कि हरकत ऐसा कुछ नहीं है, वो चुलबुलापन करते हैं मुझे हंसाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपको पसंद नहीं आया आप उसको स्किप कर दिया करो, कोई बात नहीं। ठीक है, सुन लिया आपने, स्किप भी मत करो, देखो क्या भी नहीं देखिए। और ब्लॉग अच्छा लगे तो आपके दोस्तों को या आपके फ्रेंड्स को या आपकी फैमिली मेम्बर्स को लिंक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाइक करिए। और फ्रेंड्स, इनको बोलना नहीं आता है जैसा कि मैंने आपको बताया, ज़्यादा ये नहीं कर पाते हैं, तो बस क्या बोलना नहीं आता है, बोलना आता है बट उसको कैमरा कॉन्शियस, कैमरे में नहीं बोलते, पीछे बहुत कुछ बोलते हैं, मेरा सिर खाते हैं, बोलते रोज़ ब्लॉग डालो, रोज़ ब्लॉग डालो। मैं रोज़ क्या डालूँ बताइए, आप लोग भी पक जाओगे ना मेरी ऐसी बोरिंग सी लाइफ देख के, इसलिए मैं रोज़ नहीं डालती हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग होता है तभी डालती हूँ। तो बस फंसी आ चुके हैं और मैंने मम्मी से भी आपको मिलवा दिया। और यहाँ पे ये जो नई वाली मैगी मैं लेके आई थी स्पाइसी मंचूरियन, ये मैं आज ट्राई करूँगी, इसका शॉट भी आपके साथ ट्राई करूँगी। लेकिन ये मैं सोच रही हूँ सुल्तान अदीबा आ जाए ना तो उन लोग के साथ भी ट्राई करूँगी। इसमें चार पैक है ना, तो हम लोग चारों के लिए, मेरे लिए, फंसी के लिए, सुल्तान के लिए, अदीबा के लिए, चारों के लिए परफेक्ट है। मम्मी खाती नहीं है, मम्मी कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाती है, एक समोसा है जो वो नहीं छोड़ती है, बाकी वो कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाती है, यहाँ तक कि ब्रेड भी नहीं खाती है वो। इतना ज़्यादा मैंने किसी को नहीं देखा पैशन, मतलब कि सच में लंबा खाली बक्का ना करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैगी बनाते हैं और खाते हैं, मजे लेते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग ने मैगी खा ली, बहुत ही जबरदस्त थी, मैं तो कहूंगी आप लोग भी ट्राई करिए स्पाइसी शेजवान मैगी, जो नया फ्लेवर आया बहुत ही जबरदस्त था। कैसा है सुल्तान? सुल्तान खा रहे थे दोस्त, कैसा है? बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मजेदार था, मुंह बिल्कुल तीखा तीखा हो गया, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा तीखा है ना सुल्तान, तुमको तीखा नहीं लग रहा? अब इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। अच्छा, लेकिन मुझे तो बहुत तीखा लगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ बन रहा है चने की दाल का हलवा, कतली वाला, यानी कि जमा के जो बनाते हैं ना लखनऊ में, वो वाला हलवा बन रहा है। तो उसका शॉट मैं आपको नहीं दे सकती, सॉरी, क्योंकि जल्दी जल्दी बनाया ना, पापा बना रहे हैं वो, तो मैं यहाँ पे भून रही हूँ, सिर्फ चने की दाल भून रही हूँ मैं, और चाशनी उबल रही है। तो बस यहाँ पे खोया भी आ गया है, पापा सुबह ही खोया लेके आ गए थे, तो देखते कैसा बनता है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे इसको भून रही हूँ मैं चने की दाल को, और यहाँ पे चाशनी उबल रही है, बस फटाफट बनाते हैं और जमाते हैं। बहुत सालों से नहीं खाया है मैंने, इसे शबरात में पिछले साल बनाया था, इस साल नहीं बनाया फ्रेंड्स, इस साल मैं चली गई थी अपने सास के, पिछले साल मैंने बनाया था चने की दाल का कतली वाला हलवा, उसका वीडियो, फुल वीडियो मेरे चैनल पे है, आप लोग जाके देख के बना सकते हो अगर बनाना चाहते हो तो, कतली वाला चने की दाल का हलवा। असी रूम में सो रहे हैं और यहाँ मेरा भाई बैठ के लिख रहा है, असी सो रहे खर्राटे मार के मम्मी के रूम में। देखें यहाँ पे पापा ने हलवा जमा दिया है, ड्राई फ्रूट्स भी लगा दिया, अब ये जब टोटल फुली ठंडा हो जाएगा तब इसको पीसेस में कट करेंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो पापा ने देखे यहाँ पे इसको कतली के जैसा पीसेस में कट कर दिया, बहुत ही मज़ेदार। 2000 years later हम लोग मम्मी के घर से घर आ गए और यहाँ आके करंट की बिल आई है, यानी कि बिजली की बिल, और इतनी ज़्यादा आई है ना, हर बार से ज़्यादा आई है, कितनी आई है? 1050 रुपये आई है फ्रेंड, हर बार 500 या 450 आती है, इस बार 1050 आई है, दुगनी बिल आई है। तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना, क्या करना पता नहीं, इतनी ज्यादा, मम्मी के घर में 2500 आई है, मेरे घर में 1050 आई है, और कुछ भी नहीं जलाते हम लोग, मैं तो पूरा दिन अकेले ही रहती हूँ, कुछ ज्यादा यूज भी नहीं करते, क्या करना पता नहीं।
तो फ्रेंड्स घर तो आ गए थे हम लोग, और आते ही मैंने कुकिंग चालू कर दी है। खाना पका रही हूँ मैं पका रही हूँ आज बिरयानी। तो जुमे के दिन तो बिरयानी पकनी है, चिकन रखा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना बिरयानी बना लेते हैं। बहुत दिन से बिरयानी नहीं खाई थी तो बिरयानी खाने का मन कर रहा था, तो मैंने बिरयानी बना ली। और ज़्यादा दिन तक गोश्त रखना अच्छा भी नहीं होता है, फ्रीज़र में ताज़ा ताज़ा लाओ, बनाओ और ख़त्म करो। तो यहाँ पे मैं देख रही थी भारती सिंह जो है ना कॉमेडियन, उनका व्लॉग। वो रोज़ डेली व्लॉग डालती है, मैं एक काहिल बेकार, मैं नहीं डालती रोज़ व्लॉग क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं डालने के लिए, रोज़ रोज़ क्या डालूँ मैं बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। तो बस वो रोज़ व्लॉग डालती, तो मैं रोज़ उनका व्लॉग देखती हूँ, जैसे कुछ लोग मेरा देखते होंगे शायद। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी कॉमेडी वगैरह, बीच बीच में उनका प्यारा प्यारा सा गोलू मोलू सा बच्चा बहुत ही क्यूट है, तो उनका व्लॉग देखते हैं। माँ 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 नहीं बोलेगा भाई, नहीं बोलेगा यार, छोड़ दे। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिए बिरयानी बनाना, बस तेल ऐड किया, प्याज ऐड कर दिए, सब काट के रख लिया है, बस बघारेंगे, फटाफट बनाएंगे और फसी को खिलाएंगे। फसी अंदर सो रहे हैं क्योंकि बोल रहे हैं मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, वहीं सोने लगे थे तो उन्होंने चेंज वेंज कर लिया और सो रहे हैं अंदर। तो बस खाना खाते हैं फिर आपसे बातें करते हैं कुछ। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्याज ऐड कर दिया, अभी लाल नहीं हुई, जब थोड़ी लाल हो जाएगी गोल्डन ब्राउन तो उसमें ऐड कर देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ देखिए मैं लहसुन भीग रहे हैं छीलने के लिए, आज ही मैंने इनको तोड़ के भिगोया है, कल मैं इनको छीलूंगी बैठ के। तो ये भीग रहे हैं और अदरक भी छीलना है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट देखिए इतना ही बचा है तो मुझे छीलना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पहले टमाटर सब कुछ काट लिया है, थोड़ी प्याज रोक ली है, वो लास्ट में डालते हैं तो टेस्ट आता है। सब कुछ रेडी है, बस फटाफट बनाते हैं और खाते हैं। तो फ्रेंड्स खाना पीना हो गया है, मज़ेदार सी बिरयानी खा ली हम लोगों ने, बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ही बेहतरीन। और बस अभी बज रहा है रात के 12 और अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, बस ग्रीन टी पी के सो जाऊंगी मैं। यहाँ पे मेरी ग्रीन टी रेडी है तो ये पीऊँगी और पी के सो जाऊंगी। ग्रीन टी पे ही मेरा पूरा वेट आजकल छोड़ा हुआ है मैंने, क्योंकि एक ग्रीन टी है जो मेरा वेट कम कर दे शायद, इस उम्मीद से मैं आजकल ग्रीन टी पी रही हूँ लेकिन खाना भी खा रही हूँ। तो बस और बस ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, ऐसे ही छोटा मोटा घर में व्लॉग बनाया था मैंने। आप लोग को अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा कि आप लोग को कैसे कैसे व्लॉग चाहिए क्या नहीं चाहिए। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है 100% में सिर्फ 10% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है। तो अगर आप लोग नए हो, पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हो, व्लॉग्स देख रहे हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, मस्ट 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वाला बटन है, उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। फंसी हंस रहा है मेरे ऊपर। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक ज़बरदस्त से व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।